हाय, दिस इज योर शेफ शेरोज और आज हमारे किचन में बनने लगा है चिकन कैश्यू नट विद गार्लिक राइस। सो लेट्स स्टार्ट। चिकन कैश्यू नट विद गार्लिक फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक के स्लाइस कट कर लेंगे, देन हम ग्रीन अनियन चॉप कर लेंगे, देन हम कैप्सिकम को क्यूब्स में कट कर लेंगे, देन हम ऑनियन के क्यूब्स कट कर लेंगे, और अब हम बना लेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पे 1/2 kg टोमेटोज लिए हैं और उनको हाई स्पीड पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम अपने गार्लिक राइस बनाने के लिए राइस बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पॉट में पानी लिया है, सॉल्ट ऐड किया है 1 tablespoon और बॉयल आने का वेट किया है। बॉयल आने के बाद अब हम इसमें सॉफ्ट राइस ऐड कर देंगे और राइस 70% कुक होने का वेट करेंगे। जैसे हमारे राइस 70% कुक हो जाएंगे, हम इसका वाटर ड्रेन कर लेंगे और अब हम अपना चिकन प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चिकन थाई ली है और उसके क्यूब कट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसको चाइनीज मैरिनेशन। एग ऐड करेंगे 1 piece, सॉल्ट 1 teaspoon, व्हाइट पेपर 1 teaspoon, सोया सॉस 2 tablespoon, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 to 3 tablespoon, ऑयल ऐड करेंगे 2 to 3 tablespoon और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 liter ऑयल लिया है और उसमें चिकन ऐड कर देंगे सेपरेट सेपरेट करके। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारा चिकन प्यारा सा गोल्डन सा हो जाएगा, हम इसको रिमूव कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे अपने गार्लिक राइस। गार्लिक राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे, देन इसमें 3 to 4 tablespoon गार्लिक स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ये गोल्डन हो जाए। जैसे ही गार्लिक तैयार हो जाएगा, हम इसमें 2 cup राइस ऐड करेंगे देन हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 2 tablespoon, व्हाइट पेपर 1 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon, अनियन ग्रीन 1/2 cup ऐड करेंगे और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। और हमारे गार्लिक राइस तैयार हैं। और अब हम बनाएंगे चिकन कैश्यू नट। ऑयल ऐड करेंगे 1/4 cup, टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे 1.5 cup, ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे 1 cup, सोया सॉस ऐड करेंगे 3 to 4 tablespoon,
देन हम इसमें फ्राइड चिकन ऐड कर देंगे, शुगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गार्लिक चिली सॉस 1/2 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बॉयल आने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, कैप्सिकम क्यूब्स 1/2 कप, अनियन क्यूब्स 1/2 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें कैशू नट्स ऐड कर देंगे 100 ग्राम, मशरूम्स ऐड करेंगे 1/2 कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा मजेदार सा चिकन कैशू नट तैयार है। डिश आउट कर लेंगे एंड हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, टेस्टिंग। टेस्टी। And Chef Shiro's out.